नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार हाथ से मौका ना चूक जाए इसके लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों का लगातार आप अभ्यास करें। इसके लिए सबसे सही ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ही आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिपीटेंसी बार बार होती है। तो हम लोग इस वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें लगभग सारे PYQ सॉल्व करा जाएंगे। तो आज हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का, कोलाइड घोल का, पायस का या मिश्रण का? तो इसमें आपका विकल्प पायस एकदम सही है। देखिए, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। पायस के उदाहरण मक्खन, मार्जरीन, दूध और क्रीम, ये सब पायस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबेर साल्ट के, वॉशिंग सोडा के, बोरेक्स के या एप्सम सॉल्ट के? तो इसमें आपका विकल्प एप्सम सॉल्ट एकदम सही है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक नमक है, इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइट के रूप में जाना जाता है, जिसे एप्सम नमक कहते हैं। इसका सूत्र है MgSO4 × 7H2O। अगला प्रश्न है, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जोनाथन डंकन ने, सर विलियम मुइर ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो सर विलियम मुइर ने की थी स्थापना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसकी स्थापना सन 1887 में सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का या असम का? तो इसमें विकल्प उत्तर प्रदेश एकदम सही है। सन 1960 से 1963 तक सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थीं। अक्टूबर 1963 में वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद सन 1995 उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, रामचिरैया या सारस? तो इसमें आपका विकल्प सारस एकदम सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है। राजकीय भाषा हिंदी एवं दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष अशोक एवं राजकीय पुष्प पलास या टेसू और राजकीय पशु बारहसिंघा व राजकीय मछली मोय या चीतल है। अगला प्रश्न, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से, उत्तर प्रांत के नाम से या रामकृष्ण प्रदेश के नाम से? तो संयुक्त प्रांत एकदम सही विकल्प। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। सन 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इससे संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? तो इसमें आपका विकल्प आगरा एकदम सही है। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है।
देखिए, शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। नहर का निर्माण कार्य सन 1920 से प्रारंभ हुआ और सन 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी थी? 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने या अग्निपथ? तो 1 नवंबर 1984 एकदम सही है। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। उनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने आदि हैं। अगला प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रॉमेयर ने, कार्ल विलहेम शीले ने, विलियम मर्डोक ने या कार्ल लैंड स्टीनर ने? तो विकल्प डी एकदम सही है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे ये। इनको सन 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड? तो इसमें आपका विकल्प अलास्का एकदम सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अलास्का उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजा? तो मस्कट एकदम सही है। ओमान की राजधानी मस्कट है या ओमान का सबसे बड़ा शहर है? मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजा, दुबई ये सब संयुक्त अरब अमीरात में ही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग तमाम प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।